वेलकम बैक टू मामा चैनल। और मैं लिटिल किड्स में पढ़ता हूँ और मैं बिलासपुर में रहता हूँ। क्लास वन में पढ़ता हूँ। अभी हम लोग जा रहे हैं शोरूम और बहुत सारी गाड़ियाँ देखने। तो बने रहिए ब्लॉग में। फ्रेंड्स, हम लोग आज जा रहे हैं बिलासपुर के शोरूम, मारुति शोरूम। गाड़ी लेना वहाँ पे, गाड़ी सर्विस के लिए दिया हुआ है। मैं जा रहा हूँ, भतीजा राहुल और मेरा भांजा भव्य। और आज के ब्लॉग को भव्य इंट्रोड्यूस किया, तो चलिए बने रहिए आप लोग ब्लॉग में। फ्रेंड्स, फिलहाल अभी हम लोग पहुँच गए हैं मारुति के शोरूम, तो चलिए गाड़ी को लेते हैं और चलते हैं घर। तो फ्रेंड्स, हम लोगों का काम हो चुका है और गाड़ी कंप्लीट हो चुकी है, साइलेंसर वगैरह लग के। तो अब गाड़ी का पेमेंट करते हैं, उसके बाद गाड़ी लेकर निकलेंगे। तो कैसा लगा शोरूम में आकर? अच्छा लगा। पहली बार आए? चलो ठीक है, अभी फोर व्हीलर में जाएंगे ना। चलो ठीक है गाइस, गाड़ी वगैरह लेते हैं, उसके बाद आप लोग कंटिन्यू करते हैं ब्लॉग को। और ये मारुति का वेटिंग रूम है यहाँ का, सर्विस का। तो भैया लोग भी आए कुछ अपने गाड़ी का काम कराने के लिए बैठे हुए हैं और हम लोग भी बैठे हुए हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये सर्विस एरिया है मारुति का, गाड़ी सर्विस में लगी हुई है और भैया लोग बना भी रहे हैं गाड़ी। ये मुक्ता बिलासपुर का सबसे ऑटो सर्विस सेंटर है ये। फ्रेंड्स, अभी हम लोग जा रहे हैं गाड़ी देखने के लिए और मेरी गाड़ी कंप्लीट है। यहाँ पे मर्सिडीज मतलब इको, साइलेंसर वगैरह लग चुका है और ये बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं यहाँ पे। यही है, हाँ। तो ये हमारी फोर व्हीलर। एक्चुअली में इसका साइलेंसर चोरी हो गया था और इंश्योरेंस में था, तो साइलेंसर लगने के लिए दिए थे और लगभग गाड़ी कंप्लीट हो चुकी है। अब बस लेकर निकलना है इसे, बस बिल वगैरह का हो रहा है, उसके बाद निकलते हैं। यहाँ देखिए बहुत सारी लाइन से खड़ी हुई गाड़ियाँ, मारुति सुजुकी सर्विस का शोरूम है ये। और यहाँ के स्टाफ काफ़ी हेल्पफुल हैं और बहुत अच्छा सर्विस है मारुति का। तो फ्रेंड्स, हम लोगों का काम हो चुका है और गाड़ी भी मिल चुकी है, बिलिंग वगैरह सब कुछ हो गया। और यहाँ के स्टाफ काफ़ी अच्छे थे, काफ़ी हेल्पफुल थे और काफ़ी अच्छा बिहेव था और सर्विस भी काफ़ी अच्छी थी। तो चलिए, गाड़ी तो मिल चुका है बहुत दिनों बाद और देखते हैं चलाने में थोड़ा तो मज़ा आएगा ही। और कल लगभग 2-2.5 महीने से ही गाड़ी यहाँ पे खड़ी थी सर्विस के लिए। इंश्योरेंस अच्छा लगा गाइस, शोरूम में घूम के गाड़ी बन गई तो भी अच्छा लगा। अब अभी फर्स्ट टाइम आया था शोरूम में कैसा लगा फबियो? मजा आया, बहुत सारी गाड़ियाँ देखा। चलो ठीक है, तो इसे भी लाना, एक बहुत जिद कर रहा था कि मुझे भी जाना है मामा शोरूम, तो इसे भी लेकर आया। और मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा कि मेरा भांजा शोरूम में आया था। तो फ्रेंड्स, मैं आ चुका हूँ घर गाड़ी लेकर, तो चलिए लंच करते हैं और ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। तो बने रहिए आप लोग ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग हैं बिलासपुर में और कोरोना का नाम सुनते ही सबको सर्दी खांसी हो गया है, तो इसलिए आए हुए थे हम लोग सिरप लेने के लिए। और ये मेरी दीदी नीतू, तो आए हुए हैं कुछ काम से बिलासपुर में, अभी हैं सब हम लोग। तो ये भी सागर से आई हुई अपने बच्चे के साथ, मेरी भांजी को लेकर के। तो सबको सर्दी खांसी हो गया, इसलिए कुछ मेडिसिन वगैरह लेने गए थे। तो देखिए कैसे खांस रही, हो सकता है कोरोना होगा, ओमिक्रॉन का लक्षण दिख रहा है इनको भी। तो चलिए सिरप पिला कर देखते, नहीं तो RT-PCR करा के देखेंगे ओमिक्रॉन है या फिर कुछ और है। तो फ्रेंड्स, आज का दिन काफ़ी अच्छा रहा, मेरी गाड़ी भी 2-3 महीने बाद आ गई और आज काफ़ी दिनों बाद मैं ब्लॉग भी कर रहा था। तो बिलासपुर में पहली बार ब्लॉग कर रहा हूँ मैं, काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो उम्मीद है आप लोगों को भी आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, साथ में मेरे भांजा भी था और फर्स्ट टाइम वो शोरूम जाने की जिद किया, तो मैं उसे लेकर गया, उसकी इच्छाओं को पूरा किया, मुझे भी अच्छा लगा और मेरी गाड़ी मिल गई, इसकी बहुत खुशी है मुझे, क्योंकि गाड़ी का साइलेंसर चोरी हो गया था। तो चलिए इसी के साथ ब्लॉग को समाप्त करते हैं। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ, अच्छे ही रहना है। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, गुड नाइट।